सोचने का, तुम्हें हक है अपनी पढ़ाई की चिंता करने का, तुम्हें हक है मेहनत करने का भी, है ना। बाकी सब काम करते हो, अब जब बारी आती है पढ़ने की, मेहनत करने की, वो नहीं करते हो। बाकी तुम चिंता पूरी करते हो, टीचर पे दबाव पूरा डालते हो, टीचर से डिमांड पूरी रखते हो, बहुत परेशान होते हो पढ़ाई को लेके, सब कुछ करते हो, मेहनत भी कर लिया करो, ठीक है ना। और ये तुम्हारा हक है बेटा, ये जेन्यून है। जो बच्चा अपने भविष्य के लिए सोच रहा है, जो बच्चा अपने कैरियर के लिए चिंतित है, जो बच्चा अपने पढ़ाई को लेके परेशान हो रहा है, वो जेन्यून है। हम कुछ तुम्हें डांट नहीं रहे हैं, हम कुछ कह भी नहीं रहे, ये तुम्हारा जेन्यून कंसर्न है। बस हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम अपनी क्षमता से दोगुना काम करेंगे। सुन मेरे लाल, तूने क्या किया है नहीं किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आज क्या कर रहे हो फर्क इससे पड़ता है। अगर आज अच्छा करोगे तो कल तुम्हारा बेहतर होगा। फिर ऐसे कैसे बेहतर होगा, हमारा वो खराब है। अबे तुम्हारा तो शकल भी खराब है, इसका क्या मतलब तेरे भविष्य में कुछ अच्छा नहीं होगा। एक इंसान को जिंदगी की जो सारी खुशियां मिलती है वो तुम्हें मिलेगी, अब तुम्हारा शकल खराब है, इस बात को लेकर तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। तुम खुश रहो, भगवान ने जो दिया उसको एक्सेप्ट करो और अभी से संघर्ष करो, मेहनत करो, डॉक्टर बन जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। डिप्रेशन का बहाना ढूंढोगे तो वो लाख है। हम गांव से हैं सर, इस बात से हम डिप्रेस्ड हैं। अरे भाई गांव से है तो आज तक गांव से कोई महान नहीं बना है क्या सर? हम गरीब है, अब्दुल कलाम भी गरीब थे, न्यूटन भी गरीब फैमिली से थे, हमारे पिताजी सर काम नहीं करते हैं, वो नहीं कमाते, वो बहुत गरीब है। तो आप काम करिए और पढ़िए, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं मेरे मन में, दिमाग में भी एक ही आ रहा है, लाखों करोड़ एग्जाम्पल है। खुद मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे, और क्या किया है वो तो आप सब जानते हैं। तो अगर तुम्हें डिप्रेस्ड होना है तो तुम्हें करोड़ों रीजन मिल सकते हैं डिप्रेस्ड होने के, और तुम्हें खुश होना है तो बस एक दिन मेहनत करो, कल तुम देखो रिजल्ट। तुम अपने एक दिन के मेहनत से कल खुश हो सकते हो, तो तुमने लगातार मेहनत से जीवन भर खुश रह सकते हो। वाह क्या बात कही। अगर तुम डिप्रेस्ड होना चाहोगे तो तुम्हें थाउजेंड्स ऑफ एन नंबर्स ऑफ रीजन मिलेगा डिप्रेस्ड रहने के, लेकिन अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो एक दिन जान लगा के मेहनत करो, कल तुम खुश रहोगे। एक दिन और जान लगा के मेहनत करो, परसों तुम खुश रहोगे, और एक साल तक जान लगा के मेहनत करोगे, पूरे जीवन भर खुश रहोगे। अब तेरा शकल भी खराब है, अब इस रीजन से तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे कि मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का क्या अर्थ है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा अपने जीवन में, मेरे से कौन दोस्ती करेगा। अरे तू डॉक्टर बन जाएगा तो सब तेरे से दोस्ती